हाय गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। आई वेलकम ऑल द मीडिया, थैंक यू। एंड आपने ब्लैक पहन लिया आज, नजर नहीं लगेगी आपको, तावीज। वार्म वेलकम आप साहब, जोरदार तालियों फॉर दिस हैंडसम हंक आफताब शिव दसानी, हु हैज बीन एंटरटेनिंग अस फ्रॉम इयर्स नाउ। एंड देन आज फिर एक गाना लेके आ चुके हैं, जिसके बाद लड़कों को तो हो चुके हैं। सो पहले आप बताइए, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या सच में इश्क को नजर लगती है? सबसे पहले तो माइक ऑन, सुनाई दे रहा है मुझे अपनी खुद की आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, अभी सुनाई दे। सबसे पहले तो सभी लोगों को गुड आफ्टरनून, थैंक यू ब्रदर फॉर योर सच स्वीट काइंड वर्ड्स। हाँ, जब आई थिंक गाने के बारे में जितना भी बोलूँ कम है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मैं अफसाना से मिला नहीं था। बट अफसाना सबसे पहले तो जब मुझे ये गाना इन लोगों ने भेजा था, मनीष ने, मनीष थैंक यू, आपने मुझे अप्रोच किया गाने के लिए, मुझे उसी वक्त इश्क हो गया इस गाने से। और जो आपकी आवाज़ में जो पावर है, जो गहराई है, माफ़ कीजिएगा, मैंने इसके पहले कभी नहीं सुना था। बट उसी समय मैंने मनीष को हाँ बोला था, अगर आपको याद है मनीष, कि मुझे ये गाना करना है। एंड आई जस्ट कभी कभी कुछ फैसले ऐसे होते हैं कि आप इंस्टेंटली ले लेते हो, एंड दिस इज़ वन ऑफ दोज इंस्टिंक्टिव इंस्टेंट डिसीजंस जो आई थिंक आई विल बी एवर सो प्राउड ऑफ। एंड बहुत मज़ा आया शूट करते समय, मतलब बहुत चीज़ें हुई जो आयशा आपको बताएगी, मतलब सेट पे कुछ जी जी बिल्कुल नेचुरल चीज़ें हुई, नेचर के हिसाब से जो हुई, जो हम लोगों को कुछ चेंजेस करने पड़े ऑन द स्पॉट ऑफ द मोमेंट, और उस चेंजेस के वजह से आपको ये गाना इतना खूबसूरत दिख रहा है। बट दैट इज ऑल इन गॉड्स हैंड्स, व्हाटएवर ही विल्स, वी जस्ट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ हिम। तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड ऑफ कोर्स फैबुलस टीम, जो हमारी टीम थी, मनीष और उनकी पूरी टीम, द डायरेक्टर्स, ट्रू मेकर्स, यू नो, राइट फ्रॉम द आउटफिट्स, एवरीथिंग वाज जस्ट फैबुलस। और बहुत अच्छा लुक दिया गाने को, और बहुत अच्छा शूट किया, एंड विच इज वाई आप ऐसे रिजल्ट देख रहे हो। तो इट्स अ सॉन्ग दैट आई एम वेरी प्राउड ऑफ। एंड देखने के बाद जो इश्क के बारे में जो आपका सवाल है, वो इसका जवाब मुझे पता नहीं, इसलिए मैंने पूरा घूम के पूरी कहानी सुनाई। लेकिन ये गाने सुनने के बाद एक अच्छी फीलिंग तो आएगी, और वीडियो देखने के बाद भी उम्मीद करते हैं कि उससे ज्यादा अच्छी फीलिंग आएगी। बहुत खूब, बहुत बातें करेंगे, बहुत दिल से बात पूछेंगे। इश्क को नजर लगती है, इनकी स्माइल काफी कुछ कह जाती है इस बात में। और इसके साथ मसाला बहुत सारा हमें मिलने वाला है। तो बिफोर दैट, जिन्होंने लगाए आफताब के साथ चार चार, प्लीज वेलकम आयशा खान। आई थिंक आपकी प्रेजेंस, जो आपकी एंट्री थी, जो कोरियोग्राफी थी भाई तनीश, क्या कमाल की आपकी वहां पर लुक थी। सो आयशा, यू नेल्ड इट। ओके ओके, आराम से आराम से। सो या आयशा की एंट्री तो कुछ धमाल तो होना ही था। थैंक यू फॉर दैट राइट, एंड वेलकम एवरीवन। हेलो, सो या आई डू हैव अ लॉट ऑफ मसाला, बट लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट विद मसाला, कि आपने ऐसा क्या किया जो आफताब भाई ने वो घुमा के बोला। इट्स बेसिकली आई थिंक ही वाज टॉकिंग अबाउट द शूट, कि शूट बेसिकली हमारा आउटडोर कॉन्सेप्ट था, और बारिश हो गई, एक ही दिन में शूट कंप्लीट करना था, पूरी प्रोडक्शन हाउस सब परेशान थे, बट डायरेक्टर्स, द प्रोडक्शन टीम, सबने हिम्मत की, एंड हमें हिम्मत दी कि यू नो ये हो जाएगा आराम से। ऑब्वियसली मैं एटलीस्ट पैनिक कर रही थी, क्योंकि दिस वाज यू नो अ बिग थिंग फॉर मी। भगवान ने भी रोमांटिक कर दिया, क्योंकि आई थिंक द इंडोर थिंग इज द बेस्ट थिंग दैट हैज हैपेंड टू द सॉन्ग आफ्टर अफसाना'स वॉइस। सो या इट्स अ लवली सॉन्ग, एंड जब मुझे ये गाना आया था, आई रिमेम्बर आई हर्ड इट, एंड आई थिंक नाम अफसाना काफी है गाने को हाँ बोलने के लिए, सुनने की भी जरूरत नहीं है। एंड देन ऑब्वियसली अफताब सर, सो यू नो इट वॉज ऑल अ यस फ्रॉम द स्टार्ट। तो ऐसा मसाला जो हम लोग यहाँ पे ढूंढ रहे हैं चेहरे, ऐसा क्या हुआ सेट पे जो हम नहीं जानते, आप जान जाएंगे आपके थ्रू? आई थिंक आफताब की स्माइल बहुत कुछ कह रही है, वैसे ये बहुत मस्ती वाली स्माइल है। आई थिंक जैसे उन्होंने कहा कि गाने का शूट का प्लानिंग कुछ अलग था, और बारिश की वजह से हम लोग को लोकेशन चेंज करना पड़ा, तो वी हैड ओनली टू डेज टू फिनिश द सॉन्ग, डेढ़ दिन था, और डेढ़ दिन में पूरा गाना शूट किया था, विच वॉज एन अमेजिंग थिंग, मतलब डे नाइट दोनों किया हम लोगों ने। तो इनफैक्ट थोड़ा सा बुखार भी चढ़ गया उसके बाद मुझे, सुबह ऑलमोस्ट 6 बजे, इश्क का या फिर वैसे सबका सा, ओके, वो तो इश्क का बहुत पहले लग चुका है। लेकिन शूट के टाइम पर, आई मीन यू नो, काम कर रहे तो दैट्स द ओनली थिंग यू रियली फोकस ऑन,
बट लाइक आयशा सेड, बारिश हुई, हमें लोकेशन चेंज करना पड़ी. बहुत ही खूबसूरत लोकेशन हमें मिला जो आप देख रहे, पूरा जो माहौल है बाहर का. सो आई थिंक दैट वॉज अ स्ट्रोक ऑफ लक बाय नेचर, एंड हमें एक अच्छी लोकेशन मिल गई, उससे बेहतरीन लोकेशन मिल गई, एंड बाकी तो आपके सामने. बिल्कुल, आई थिंक 3 दिन का गाना अगर आप 1 दिन में कर दो तो प्रोड्यूसर्स के चेहरे पे खुशी आई है ना, वो मैं समझ सकता हूँ. ओके, सो अफसाना, बिकॉज आपका डांस सब लोग बहुत अच्छी लग रही है. अफसाना तो सॉरी आयशा, सो टेल अस अबाउट यू नो कि आपने किस तरह से प्रेप किया इस गाने को लेकर. सो फर्स्ट थिंग दैट वाज इन माय माइंड कि यू नो इसके लिए डांस चाहिए, कैसे करूंगी. एंड मैंने जस्ट अपने एक्सीडेंट से रिकवरी की थी. आई हैड अ वेरी बैड एक्सीडेंट ड्यूरिंग अ शूट, सो मेरा L4 L5 का दिक्कत हो गया था. सो आई वाज लिटिल स्केर्ड कि कैसे डांस करूंगी. इट्स अ डांस थिंग, कहीं यू नो रिहर्सल पे देख के ना बोलते नहीं चाहिए जॉगर. सो आई वेंट देयर, आई मेट तनिष एंड ही वाज ऑल देयर, made me dance, made me do everything. पूरा struggle, अच्छे से मेहनत 3 घंटे पूरा करवाया. And I think 3 घंटे में हमने पूरा choreography सीख लिया था. And we were all done. Shoot पे भी I remember Tanish सामने बहुत ही humble है, modest बन रही है, but उन्होंने बहुत अच्छा नाचा. And hats off to you brother. I think Talia here, hats off to what she has done despite a severe accident. What she's performed on screen, I think back injury होता है वो बहुत severe. Oh God, उस back injury के बावजूद भी जो उन्होंने नाचा है. She's just not taking credit, but मैं आपको बताऊँ बहुत खूबसूरत उन्होंने नाचा हुआ. Speaks volumes, yeah. So on that note, मैं बुलाना चाहूँगा हर गाने की जान. Please welcome अफसाना खान. मतलब पंजाबी गाना हो, अफसाना खान की आवाज ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है. I love this voice and so proud to introduce on stage Afsana. You nailed it once again with your voice. Goosebumps all across. अब मैं क्या ही कहूँगा, अभी गई है. क्या बोलूं बेबी, बहुत अच्छा गाना है तवीज, बहुत फेवरेट मेरा गाना है. ऊपर से इस गाने में 4 चांद लगा दिए अफताब जी और आयशा जी. मैं इनकी, मेरे को ये बहुत पसंद है. मैं साज को ही बोल रही थी, ऊपर से इतना अच्छा एक्ट करते हो और इतने ब्यूटीफुल हैं, तो मुझे शुरू से पसंद है और मेरे लिए सरप्राइज था, तो मुझे अच्छा लगा ये सरप्राइज देख के. और तो वो डेंजरस चीज है. तो आयशा जी ने बहुत अच्छा एक्ट किया है उसमें, और आप जैसे आप बता रहे थे आप ठीक भी नहीं थे, तो बहुत अच्छा है. और ऊपर से म्यूजिक किया है गोल्ड बॉय, जो हमारा बहुत अच्छा भाई है, फेवरेट है हमारा. और सारी टीम का थैंक यू, BCC फैक्ट्री एंड मनीष पाजी, ऑल मीडिया और आपका सबका थैंक यू. और बस ऐसे प्यार करते रहो और अच्छे अच्छे गाने देते जाएंगे हम. आई वुड लाइक टू से वन थिंग, हर वॉइस इज सो स्ट्रांग एंड द पर्सनालिटी इज सो सॉफ्ट एंड स्वीट, राइट? इट्स लाइक, मतलब कभी कभी लगता है कि यही अफसाना का गाना है. गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस. ये वो आवाज जो टूटा हुआ दिल जोड़ देती है यार, दो दिलों को जोड़ देती है. जोरदार तालियां से आवाज अफसाना खान के लिए, एंड सो हम्बल. सो अफसाना, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जब आपने ये गाना गाए, इतने अच्छे इसके लिरिक्स हैं, इश्क सच में नजर लगती है? मैं मानती हूँ इस चीज को, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत सुंदर है, तो मैं इनकी दिन में 4-5 बार नजर उतारती हूँ. कैमरा यहाँ प्लीज, और साज आप भी आ जाओ ना बेबी, आ जाओ प्लीज प्लीज वेलकम. बहुत अच्छे सिंगर है, आर्टिस्ट है, तो गोल्ड बॉय जिन्होंने म्यूजिक किया, ये इनके यार है बचपन के, तो बहुत अच्छा. हमारा जहाँ पे फैमिली तरह प्यार होता है ना, वहाँ पे हम फिर गाना दिल से गाते हैं. तो मैं नजर उतारती हूँ, बस अब तवीज पहनाना बाकी है. मैंने गा दिया, वही जरूरी है, और इनको पहनाऊंगी. क्या बात है, ये बिल्कुल एक परफेक्ट वाइफ है. और आपसे पूछना चाहूंगा, इश्क नजर लगती है, ये सवाल मैं पूछ रहा हूँ, व्हाट डू यू हैव टू से? जी समटाइम, ये बिल्कुल सही बात है. समटाइम्स ऐसे होता है कि हम कहीं कोई फंक्शन में जाते हैं तो